हेलो साथियों, इस वीडियो में हम पेट एग्जाम की डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कितने स्टूडेंट इस एग्जाम में शामिल होंगे, कितने केंद्र बनाएंगे और क्या प्रोसेस होगा। ठीक है साथियों, साथियों अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो साथियों आपका जो एग्जाम होगा यह 15 और 16 अक्टूबर को होगा पेट का एग्जाम। ठीक है साथियों, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का आयोजन 15 व 16 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। सभी जिलों में परीक्षा के 1899 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 37.58 लगभग 37.5 लाख लगभग स्टूडेंट शामिल होंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि नकल विहीन व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित कराने के लिए कड़े उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वह ओएमआर सीट पर प्रश्न पत्र संख्या को भरते समय विशेष ध्यान रखें। प्रश्न पत्र संख्या की कोडिंग की गई है, परिणाम केवल प्रश्न पत्र नंबर की डिकोडिंग कर निकाला जाएगा। प्रश्न पत्र ए बी सी डी किस सीरीज का है यह उस पर नहीं अंकित होगा। पास होने वाले विभिन्न विभागों में समूह गा के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अर्हता माने जाएंगे। ठीक है सर, तो साथियों आपको क्या है, आपके लिए विशेष निर्देश है। आपका देखो पहला एग्जाम 15-16 अक्टूबर को होगा। ठीक है, दूसरा जो निर्देश है, परिणाम केवल प्रश्न पत्र नंबर की डिकोडिंग कर निकाला जाएगा। प्रश्न पत्र सीरीज होगी, आपको पता है, मैंने फिर से रिपीट, ए बी सी डी किस सीरीज का, या उस पर अंकित नहीं होगा। साथियों नकल विहीन कराने के लिए ऐसे निर्णय लिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आपके लिए पेट का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है। अगर आप अभी तैयारी नहीं सही से करें तो और स्टार्ट करें, क्योंकि इसके लिए आपको अगले जितने भी गा समूह की भर्तियां होंगी उन सभी बिना पेट के एग्जाम दे आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते, नहीं एग्जाम दे सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।